वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन आरसी एजुकेशन हब बांसुर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी स्टडी कंटिन्यू यूनिट नंबर थर्ड कार्बोनिल कंपाउंड, इन विच वी स्टडी ऑलरेडी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। नाउ कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, क्या स्टडी करने वाले? कार्बोनिल कंपाउंड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे फिजिकल स्टेट। किसके बारे में? फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल जो स्टेट होती है स्टूडेंट, वो या तो लिक्विड मिलेगी, गैस मिलेगा या सॉलिड होगा, कौन से टाइप का होगा? देखिए सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड्स में, मोस्टली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट एक एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड, ये किस में एग्जिस्ट करते हैं? गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से वाले में? गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ओनली फॉर्मेल्डिहाइड। रिमेनिंग जो लोअर एल्डिहाइड है वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, बात करें एरोमेटिक या एलिफेटिक कीटोन्स होते हैं, मोस्टली कीटोन्स जो होते हैं वो भी लिक्विड होते हैं, बट एरोमेटिक जो कीटोन होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। हायर एरोमेटिक कीटोन्स किस में पाए जाएंगे? सॉलिड स्टेट के अंदर मिलते हैं। ओके, ये तो इनका फिजिकल स्टेट के बारे में, मोस्टली कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड वाला पार्ट है। एक है इसमें बॉइलिंग पॉइंट, कौन से वाला है? बॉइलिंग पॉइंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब बॉइलिंग पॉइंट में अपन देखें एल्डिहाइड और कीटोन के साथ साथ में अपन एल्कोहल्स, ईथर और एल्केन्स जो होती हैं इनका भी कंपेरिजन कर लेते हैं, कौन से वाले का सबसे ज़्यादा रहेगा, कौन से वाले कम रहे। सबसे पहले अपन देखते हैं एक पार्ट में एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा। डैट मीन्स सिमिलर अगर अपने पास में आयंस हैं तो अपन कैसे कंपेरिजन करेंगे? देखो कीटोन जो होते हैं ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है? एसीटोन से। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है एल्डिहाइड की? फॉर्मेल्डिहाइड से स्टार्टिंग होता है। डैट मीन्स स्टार्टिंग अगर बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड है अपने पास में क्या? कीटोन। तो जिसमें पोलरिटी ज़्यादा होती है वो पोलरिटी के बेस के ऊपर ही इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट हाई होने के कारण उनकी पोलरिटी का मान भी क्या होगा? हाई होगा। और पोलरिटी हाई होने के कारण क्या होगा? उन वालों का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्केन और ईथर की तुलना में क्या हो जाता है? हाई हो जाता है इनका। एल्केन और ईथर की तुलना में डायपोल मोमेंट करेक्टर ज़्यादा होने के कारण इसमें कार्बोनिल कंपाउंडों का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बट एल्कोहल से कंपेरिजन करें तो एल्कोहल की तुलना में इनका एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो जब एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस कंपेरिजन के आधार पर अपन ऑर्डर लिखना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें कीटोन और एल्डिहाइड में, तो कीटोन के अंदर जो होगा ये वाला कीटोन के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगा, मोर होगा कंपेयर टू किसके? एल्डिहाइड की तुलना में। डैट मीन्स कीटोनों का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड की कंपेरिजन में हाई होता है। उसका रीजन मैंने आपको बताया है। अब देखिए सेकंड पार्ट, पांचों कंपाउंड आपको दे रखे हैं, इनका अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो क्या ऑर्डर होना चाहिए? देखिए आप ऑर्डर की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, और ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे अधिक जो होता है वो एल्कोहल्स का होता है। किसका होता है? एल्कोहल्स जो होते हैं उनका सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दूसरा बात करें कार्बोनिल कंपाउंडों में कंपेरिजन अपन ने किए हैं तो कार्बोनिल कंपाउंडों में एल्डिहाइड और कीटोन्स में से इसका अधिक होगा, कीटोन का कंपेरिजन टू एल्डिहाइड। सेकेंड पार्ट कौन सा रहेगा आपके पास में? एल्डिहाइड रहेगा, एल्डिहाइड का। और उसके बाद में जो अपने पास में बचेगा वो है ईथर, कौन से वाला? ईथर। और सबसे लोवेस्ट कंडीशन में जो आते हैं वो कौन से वाले हैं स्टूडेंट्स? वो कहलाएंगे एल्केन्स। कौन से आएंगे? एल्केन्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है। तो ये वाला जो ऑर्डर है ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। यहाँ से एल्कोहल का क्यों होता है? उसका कारण है एच बॉन्डिंग। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाई होने के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई हो जाता है, क्योंकि स्ट्रोनेक्स बढ़ जाती है। ये तो था अपना दूसरा पॉइंट, कौन से वाला? बॉइलिंग पॉइंट। और फर्स्ट वाला कौन सा था? फिजिकल स्टेट। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी अपन देखने वाले हैं वो है सोल्युबिलिटी। क्या है? सोल्युबिलिटी। देखिए तीसरी सोल्युबिलिटी फैक्टर में अगर बात करें तो अपना तीसरा पॉइंट है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स?
वाटर में कौन फास्ट डिजोल्व होता है वो देखना आपको। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन एल्कोहल में जल्दी डिजोल्व होगा और कौन वाटर में अधिक फास्ट डिजोल्व होगा वो नेचर अपने को देखनी है। ठीक है, ये आपके पास में है सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है क्या? क्या ये कार्बोनाइल कंपाउंड है? और मैंने यहाँ पर ले लिया स्टूडेंट्स कीटोन, क्या यूज किया मैंने कीटोन को यहाँ पर यूज कर दिया है। अब देखिए इनकी सोलिबिलिटी का मतलब क्या है, सोलिबिलिटी का मतलब है स्टूडेंट्स वाटर में डिजोल्व करना, किसमें डिजोल्व करेंगे इसको वाटर में, और वाटर में क्या होता है H2O, क्या होता है H2O, ये है क्या। अब यहाँ पर क्या हो जाती है कीटोन को जैसे अपन ने किसमें डाला वाटर में, तो ये क्या कर लेगा दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्डिंग हो गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ऐसे आगे दूसरे वाले ग्रुप से जुड़ जाएगा, तो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वाटर के साथ इसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है इंक्रीज। इसका मतलब है कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर वाटर में अपन डालते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होने के कारण इनकी सोल्युबिलिटी जो होती है वो हाईली होती है, किसके अंदर वाटर के अंदर, यानी जिनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है उनमें फास्टली डिजोल्व हो जाते हैं, यानी वाटर के अंदर डिजोल्व हो गए। ऐसे अगर अपन इसको एथेनॉल में डाल दें, इसको एसीटोन को, तो क्या होगा वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, डैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है OH ग्रुप प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से सोलिबिलिटी का मान क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा। ये मोस्टली जो बातें थी अपन सोलिबिलिटी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी थी कार्बोनाइल कंपाउंडों की जो अपन स्टडी की है, तीन है इसमें, फिजिकल स्टेट है उसमें इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस होता है, बाकी सारे लिक्विड है उस स्टेट में मिलते हैं। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या आता है मैंने आपको एक ऑर्डर लिखवाया वो ऑर्डर आपको याद रखना है, और सोल्युबिलिटी के अंदर याद रखना है क्या रीजन होता है कि सोल्युबल होते किसमें, वाटर के अंदर हाईली सोल्युबल क्यों होते हैं, एल्कोहल में सोल्युबल क्यों होते हैं, उसका कारण क्या होता है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फास्ट कर लेगा उसमें सोल्युबिलिटी शो करेंगे, नहीं तो सोल्युबिलिटी लो हो जाएगी। ठीक है, ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टी अपन ने मोस्टली पढ़ा है। नेक्स्ट अपन जो देखने वाले हैं स्टूडेंट्स वो रहेगा कार्बोनाइल कंपाउंडों का केमिकल प्रॉपर्टी, जो सबसे बड़ा पार्ट है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस रहेंगी वो नेक्स्ट अपन वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।